सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन हज़रात, आज मैं जो आपको वीडियो दे रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंसान के जिस्म को नुकसान पहुँचा दी हैं, जिन चीज़ों के इस्तेमाल करने से जिस्म को नुकसान पहुँचता है, सेहत ख़राब होती है, गुर्दे ख़राब होते हैं, पेट ख़राब होता है, सेहत अच्छी नहीं रहती बल्कि सेहत को नुकसान हो जाता है, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहले तो ये समझें कि ये रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना है, बरकत वाला महीना है, और अल्लाह ताला ने रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए हैं। रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं, रोज़ों के फ़र्ज़ करने में हिकमत है, और हिकमत ये है कि इंसान जिस तरीके से माल की ज़कात होती है, उस तरीके से जिस्म की भी ज़कात है। माल की ज़कात माल होती है, और जिस्म की ज़कात रोज़ा होता है। रोज़ा रखने से जिस्म अच्छा हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है, अच्छी सेहत हो जाती है रोज़ा रखने से। तो अब देखिए, जब रोज़ा इफ्तार का वक्त होता है, रोज़ा इफ्तारने का टाइम जब आता है, तो प्यास तो लगती है, ज़ाहिर बात है, जब गर्मी का टाइम है तो प्यास उस वक्त लगती है। तो हम रोज़ा इफ्तारी पर, रोज़ा इफ्तार के वक्त क्या इस्तेमाल करते हैं? कोल्ड ड्रिंक। तो देखिए मेरे भाई, मेरे अज़ीज़ मौज़ सामाईन, मैं आपको बता दूं, कोल्ड ड्रिंक खाली पेट बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। कोल्ड ड्रिंक खाली पेट नहीं पीना चाहिए, ये गुर्दों पर अटैक करती है, गुर्दों को ख़राब कर दी है। कोल्ड ड्रिंक खाली पेट ना पिएँ, और चीनी का शरबत खाली पेट पीते हैं वो भी नुकसान करता है, उसको भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। और खरबूज़ा खाली पेट खाते हैं इफ्तारी के वक्त, वो भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। खरबूज़ा खाते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं, खरबूज़ा खाते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं। ये चीज़ें इंसान के जिस्म को नुकसान पहुँचाती हैं, सेहत को ख़राब करती हैं, सेहत अच्छी नहीं रहती, और इन चीज़ों से सेहत में नुकसान होता है। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से बचें, खाली पेट कोल्ड ड्रिंक, चीनी का शरबत और खरबूज़ा। किस चीज़ से रोज़ा इफ्तार करें? खजूर से। खजूर से रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत है, और उसमें बहुत फ़ायदे हैं। उसके अंदर एनर्जी होती है, उसके अंदर ताकत होती है, वो जिस्म को सेहतमंद बनाती है, जिस्म के अंदर ताकत लाती है, जिस्म को मोटा नहीं करती, फरबा नहीं करती, लेकिन ताकत लाती है। उसके खाने से जिस्म में ताकत पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। तो खजूरें आप खाइए। हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक एक खजूर, दो दो खजूर बरकत के लिए खाते हैं, बरकत के लिए खा लेते हैं। नहीं, जितनी हो सके इतनी खजूरें खाओ, ऊपर से पानी पी लो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादातर खजूरों का इस्तेमाल किया करते थे। तो मेरी अज़ीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर में खजूर नहीं, उसके घर में कोई खाना नहीं। खजूर के बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया कि जिसके घर में खजूर नहीं, उसके घर में कोई खाना नहीं। तो आप खजूरें जितनी हो सके खाएं, उसके खाने से, खजूर के खाने से आपके जिस्म को फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। खजूर खाएं, अनार खाएं, है ना, सेब खाएं, ये चीज़ें खाने की हैं। पकौड़ा भी खा सकते हैं आप, पकौड़ा खाएँ, समोसा खाएँ, और सालन से रोटी खाएँ, खाली पेट ऊपर से पानी पिए, ये चीज़ें खाएं आप, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन खाली पेट खरबूज़ा ना खाएं, और ख़ाली पेट कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, और ख़ाली पेट चीनी का शरबत ना पिएं। कोल्ड ड्रिंक पीने से गुर्दे ख़राब होते हैं खाली पेट, और चीनी का शरबत खाली पेट पीने से शुगर पैदा होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं, कुछ नहीं होता है। होता है, होता क्यों नहीं होता, होता है, लेकिन इंसान को एहसास उस वक्त नहीं होता, बाद में वो मर्ज़ पैदा हो जाता है। तो मेरी अज़ीज़ों, जो नबी ने ग़िज़ाएँ बताई हैं, जिन चीज़ों के बारे में नबी ने फरमाया कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करो, वो चीज़ें इस्तेमाल करो। हर चीज़ की इस्तेमाल करने का एक वक्त है। आपको खरबूज़ा खाना है तो कुछ देर बाद खा लें, आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो खाना खा कर पी लें, तो वो इतना नुकसान नहीं करेगी, और आपको शरबत पीना है तो कुछ देर बाद पी लें, लेकिन कम। जो शुगर के मरीज़ हैं, इन चीज़ों इससे बचें, शरबत से बचें। तो मेरी अज़ीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। सेहत को अच्छा बनाना है और अपने अंदर ताकत पैदा करना है तो इन चीज़ों पर अमल करें, और अपनी खुराक को बदलें, तब्दीली लाएं, और इस्तेमाल करने में खजूरों का इस्तेमाल ज़्यादा करें,
मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।